ऑटोमेटिक सोडा फिलिंग मशीन में कैप कैसे डाला जाता है वो आपको आज दिखा रहे हैं। ये इधर से कैप जाता है, वो राउंड होके इधर से इधर आता है। जो बोतल लगाने के बाद मैं बालाजी इंटरप्राइजेस पुणे से ऑटोमेटिक रोटरी सोडा बोतल मशीन आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका टेस्टिंग जो डिस्पैच से पहले हम लोग टेस्टिंग करते हैं वो अभी आपको दिखाएंगे। ये देखिए इधर ऐसा बोतल लगाना है, बोतल लगाने के बाद यहाँ पे सोडा फिलिंग होता है जो अभी बंद करके रखा है हमने क्योंकि डिस्पैच करना है। इसके लिए इधर कंटिन्यूअस बोतल लगाना है जो इधर आने के बाद सोडा आता है। ये जो अभी नीचे आया वो सोडा आ रहा है। इस पॉइंट पे सिरप आता है, यहाँ पे कैप लगता है ऑटोमेटिक कैप, ये देखिए। उसके बाद जो कैप टेढ़ा वगैरह रहता है वो सीधा होता है और इधर आने के बाद कैपिंग होता है। कैपिंग होने के बाद इधर से ऑटोमेटिक बकेट आप डालेंगे, इधर बकेट में गिरता है बोतल। ये देखिए इस मशीन का स्पीड जो है वो 8 से 10 बीपीएम जाता है। वो बढ़ाने के लिए और ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन सोडा का क्वालिटी जो आता है वो आपको फिर क्वालिटी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमने जो 8 से 10 बोतल जो बताया है वो 8 से 10 बोतल ही निकलेगा, वो भी क्वालिटी सोडा के साथ। ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ कैप का टाइटनेस क्या है। ये नीचे का थोड़ा भी पार्ट आपको दिखेगा नहीं, बोतल के कॉलर के ऊपर का जो भी है ना वो दिखेगा नहीं, फुल टाइट है कैप। और इसको निकालने के लिए भी इजी है, एकदम इजी से निकलता है ऐसा, ये देखिए। और हमने जो कैपिंग का किया है वो देखिए, कितने सारे कैप इधर पड़े हैं। वो डिस्पैच से पहले हम जो करते हैं टेस्टिंग वो